सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉलेंट सीरीज के आगे की नोवेल को जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में बेबी डोंग ने तांगसांग पर अपने सेकंड मार्शल सोल के डार्क ग्रीन जेट प्लेट लाइट से अटैक कर दिया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इसे आगे की सीन को डिटेल में जानेंगे। अब जैसे ही गॉडली जू क्रॉसबो के दूसरे अटैक खत्म होती है तो फिर एक बड़ी तादाद में खून की चिट्टे पूरे आसमान में बिखरने लगती है। इस बार के अटैक से सेक्रेट ड्रैगन लीजन के सोल मास्टर्स बड़ी तादाद में मारे गए थे। रैंक 70 के नीचे के सभी एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स इस अटैक की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। तांगसांग पे हुए अटैक के कारण अब ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वे तांग्स आर्मी को गॉडली जू क्रॉसबो के तीसरे अटैक को लॉन्च करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद मार्शल जी लॉन्ग भी अपनी लंबी तलवार उठाते हैं और दहाड़ते हुए त्यानदाव आर्मी के सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि वे सभी एनिमी आर्मी को मार डालें। मार्शल जी लॉन्ग भी एक 80 प्लस लेवल के ग्रेट सोल लैंड मास्टर थे और उनकी कमांड को सुनकर 10 टुकड़ी भारी भरकम घुड़सवार सेना और 10 टुकड़ी हल्की घुड़सवार सेना तुरंत ही एक सुनामी की तरह जियालिंग पास पर चढ़ाई कर देती है। सबसे आगे में तांग आर्मी चल रही थी और वे सभी घोड़ों की पीठ पर चढ़कर गॉडली जू क्रॉसबो के तीसरे अटैक को लॉन्च करने के लिए रिलोड करने लगते हैं। अब तुरंत ही पर्पल कलर की रोशनी चमकने लगती है और बेबी डोंग की बिखरी हुई बॉडी फिर से रिफॉर्म हो जाती है। इसके बाद तुरंत ही बेबी डोंग सेक्रेट ड्रैगन लीजन के सोल मास्टर्स को पीछे हटने को कहती है और भारी घुड़सवार सेना और भारी पैदल सेना को त्यानदाव आर्मी से फाइट करने के लिए ऑर्डर देती है। बेबी डोंग के लिए भारी घुड़सवार सेना और भारी पैदल सेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए सिर्फ मार्शल हॉल की प्रतिष्ठा ही ज्यादा जरूरी थी। वो अभी तक सेक्रेट ड्रैगन आर्मी के नुकसानों को नहीं समझ पा रही थी कि कैसे इतनी बेरहमी से उसकी सेक्रेट ड्रैगन की आर्मी मारी जा रही है। और वे अटैकर्स जो कि सोल मास्टर थे, वे एक अननोन वेपन चला रहे थे जिसे पता नहीं उसे और कितना नुकसान होने वाला था। गॉडली जू क्रॉसबो के दो अटैक से ही बेबी डोंग के हजारों सोल मास्टर्स और सैकड़ों कमांडर्स मारे जा चुके थे। गॉडली जू क्रॉसबो के एक बार के अटैक में 16 सार बोल्ट्स निकलती है और जब क्रॉसबो की संख्या 10,000 में हो तो 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस बोल्ट्स एक साथ एनिमी पर बरस पड़ती है और इन पॉइजनस बोल्ट से कोई सोल मास्टर आखिर कब तक बच पाएगा। पर अब बेबी डोंग के सारे सोल मास्टर्स ऑर्डर मिलते ही पीछे हटने लगते हैं और जियालिंग पास की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद ज्यादा सोल पावर वाले सोल मास्टर्स ज्यादा तेजी से पीछे हटने लगते हैं और लो लेवल वाले सोल मास्टर की स्पीड उनसे बहुत कम होती है, जिस वजह से वे भागने में पीछे हो जाते हैं। अब क्योंकि हाई लेवल वाले सोल मास्टर सबसे आगे भाग निकले थे, इस वजह से लो लेवल वाले सोल मास्टर्स बड़ी आसानी से टैंग आर्मी के सामने पहचान लिए गए। इन लो लेवल सोल मास्टर्स में ज़्यादातर सपोर्ट टाइप सोल मास्टर थे जो कम स्पीड की वजह से पीछे छूट गए थे। अब जैसे ही बेबी डोंग गॉडली जू क्रॉसबो के तीसरे लहर को देखती है, वैसे ही सेक्रेट ड्रैगन लीजन के सपोर्ट टाइप और लो लेवल सोल मास्टर वहीं मर जाते हैं। ये देखकर बेबी डोंग को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसके एक गलत फैसले की वजह से हजारों सोल मास्टर्स की जान चली गई थी। अगर बेबी डोंग ने पहले लो लेवल वाले सोल मास्टर्स को भागने दिया होता और उसके बाद हाई लेवल वाले सोल मास्टर को भागने दिया होता तो शायद उसे कम नुकसान झेलना पड़ता। पर अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब बेबी डोंग आखिरी बार तांगसांग को देखती है और फिर बाकी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के साथ जल्दी से जियालिंग पास की तरफ जाने लगती है। हालांकि स्नेक लेंस ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी था, पर बेबी डोंग उसे भी अपने साथ ले जाना नहीं भूलती है। बेबी डोंग ने अपने पहले ही बैटल में दो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर की जान गंवा दी थी, जिस वजह से उसके वुहान एम्पायर में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब तांगसांग उनका पीछा करने के बारे में नहीं सोचता है और फिर बाकी श्रेक 7 डेविल्स उसे पूरी तरह से गार्ड करने लगते हैं। तांगसांग की आंखें अभी भी लाल थी और इसके बाद जब तांगसांग पीछे मुड़ता है तो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर बेबी डोंग के अटैक से उसे किसने बचाया था। तभी तांगसांग को उसकी लवर शाओ वू दिखाई पड़ती है। वास्तव में यहाँ होता यह है कि जब शाओ वू अपने नथिंगलेस और ब्रस्ट किल 8 स्टेट ड्रॉप से मैड बियर ग्रैंड मास्टर की कुटाई कर रही होती है, तब वो तांगसांग को खतरे में देख लेती है और वो बिना हिचकिचाए मैड बियर ग्रैंड मास्टर की कुटाई करते करते वहाँ पे ले जाती है। मैड बियर ग्रैंड मास्टर अनफिक्स स्टॉर्म के अटैक को देखकर अपनी डिफेंसिव पावर को तो रिलीज कर देता है, पर शाओ के ब्रस्ट किल 8 स्टेट ड्रॉप अटैक को नहीं रोक पाता है। और जैसे ही मैड बियर ग्रैंड मास्टर बेबी डोंग के स्पेस रेंडरिंग एबेसिस कट से टकराता है तो उसकी बॉडी तुरंत ही टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है और फिर जावु तुरंत ही वहां से हटकर तांगसांग को बचाने के लिए आगे निकल जाती है। अब जावु की बॉडी पूरी खून से सनी हुई थी। ये देखकर तांगसांग जावु को पकड़ लेता है और अपनी सोल पावर उसमें इंजेक्ट करने लगता है। अब जावु ये देखकर उसे कहती है कि वो ठीक है, पर अब जावु जैसे ही खांसती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तांगसांग अभी भी शावु को बस एक टक देख रहा था क्योंकि वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था,
पर जैसे ही वो देखता है कि शावू को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, तो वह घबरा जाता है। अब शावू की आवाज सुनकर वो जैसे ही अपने सेंस में आता है, तो वह तुरंत अपनी सोल पावर को बड़ी तेजी से शावू पे इंजेक्ट करने लगता है। ये देखकर अब शावू अपनी पलकें झपकाती है और थोड़ा कमजोर होने के बावजूद भी उसे कहती है कि क्या वो भूल गया है कि उसके पास इनविंसिबल गोल्डन बॉडी की प्रोटेक्शन है और ऐसा करने से बेबी डॉन्ग भी उसे नहीं रोक सकती। लेकिन पर भी वो इतनी ज्यादा देर तक इतने ज्यादा सोल पावर वाले अटैक को नहीं रोक सकती थी। ये सुनकर अब ट्रैंकसैंग फाइनली चैन की सांस लेता है और अब वो जावू को जोर से पकड़ लेता है और उसके चेहरे से अपना सर सटा देता है और उससे कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब ट्रैंकसैंग सोचने लगता है कि बेबी डॉन्ग की स्पेस रेंडरिंग एबिसस कट भले ही पावरफुल है, पर वो गॉड लेवल पर नहीं पहुंची है और वो जावू के इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को भी नहीं तोड़ सकती है। और लकीली जावू के पास इनविंसिबल गोल्डन बॉडी डिफेंस को यूज करने का एक आखिरी चांस बचा था, और अगर उसके पास ये आखिरी चांस नहीं होता तो वो मैड बियर ग्रैंड मास्टर के साथ साथ टुकड़ों में बढ़ जाती। ये सोचकर अब ट्रैंकसैंग जावू के सर पे हल्का सा मारता है। अब जावू ट्रैंकसैंग को सर उठाकर देखती है और कहती है कि वो उसे क्यों मार रहा है। अब ट्रैंकसैंग शावू से पूछता है कि अगर शावू ने अपनी आखिरी गोल्डन इनविंसिबल बॉडी को पहले ही यूज कर लिया होता तो क्या वो उसे बचाने के लिए बिल्कुल यही कदम उठाती। अब शावू मुस्कुराते हुए कहती है कि इस वजह से ही ट्रैंकसैंग को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना वो बाद में शावू को दोष नहीं दे सकता। अब शावू को ठीक देखकर ट्रैंकसैंग को अच्छा महसूस होता है और अब वो शावू को उठाकर बैटलफील्ड की तरफ देखने लगता है। पूरे बैटलफील्ड में अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे, क्योंकि त्यान दाव एम्पायर के 20 टुकड़ी सेना सीधा जियालिंग पास की तरफ चढ़ाई करते जा रही थी और गोडली जू क्रॉस बॉस के तीसरे अटैक के बाद सेक्रेट ड्रैगन के सोल मास्टर की संख्या लगभग आधी हो चुकी थी और अब त्यान दाव एम्पायर के 6000 सोल मास्टर्स एनिमी का पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से एनिमी की संख्या अब और घटने वाली थी। शॉर्ट ग्रैंड मास्टर चिंगजिंग, बोन ग्रैंड मास्टर गुरोंग और गोल्डन आयरन ट्रायंगल, जो कि पहले से ही गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन में चेंज हो चुका था, वे सभी भागते हुए सेक्रेट ड्रैगन के सोल मास्टर को लगातार मारते जा रहे थे। अब टैंग आर्मी तुरंत ही दो भागों में बंट जाती है और दोनों ओर से तुरंत चुपचाप पीछे हट जाती है, क्योंकि उन्होंने इस बैटल में अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया था। इसलिए अब नुकसान होने से बचने के लिए ट्रैंकसैंग ने अपने ट्रैंकसैंग के डिसाइपल को पीछे हटकर दूसरे सोल मास्टर के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने का ऑर्डर देते हैं और बाकी 10,000 टैंक्स आर्मी को पीछे हटकर दोबारा से गॉडली जू क्रॉसबो को रिलोड करने का ऑर्डर देता है। वुहान एम्पायर की 8 भारी सेनाएं फाइनली त्यान दाव एम्पायर के सामने पहुंच गई थी और सेक्रेट ड्रैगन लीजन के सोल मास्टर्स वहां से भाग निकले थे। अब दोनों स्टील की कवच पहनी आर्मी एक दूसरे से टकरा जाती है। दोनों आर्मी की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं था और अब वुहान एम्पायर की आर्मी डरी हुई भी थी, क्योंकि त्यान दाव एम्पायर के 6000 सोल मास्टर्स ने उनके बीच के अंतर को अब मिटा दिया था। और दूसरी तरफ बेबी डॉन्ग जियालिंग पास की दीवारों को पार कर चुकी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब ब्लोफिश ग्रैंड मास्टर बेबी डॉन्ग से फुसफुसाते हुए कहता है कि क्या वो एंजल आर्मी को बीच बचाव के लिए भेज सकती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब बेबी डॉन्ग कमजोर महसूस करने लगती है और फिर वो अपनी धुंधली आंखों से ब्लोफिश ग्रैंड मास्टर को जवाब देती है कि वो एंजल आर्मी को नहीं भेज सकती, इससे पहले कि वो ये नहीं जान लेते कि वे हथियार क्या है जिनकी वजह से उनके हजारों सोल मास्टर मारे गए हैं, तब तक वे एंजल आर्मी के सोल मास्टर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि सोल मास्टर्स एक आम सोल्जर नहीं होते और अभी के लॉस के बाद इस स्थिति को सुधार पाना नामुमकिन है। अब बेबी डॉन्ग अपना ऑर्डर पास करती है कि एंजल आर्मी को एनिमी के अटैक से बचाव करने के लिए जियालिंग पास की दीवारों पर खड़ा किया जाए। जब बेबी डॉन्ग ये ऑर्डर पास करती है तब उसकी नज़र बिना ब्राइटनेस के ट्राइडेंट पर पड़ती है, जिसने दीवारों से नीचे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया था और इस ट्राइडेंट की वजह से ही जियालिंग पास की दीवारों में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, जो कि बिल्कुल किले के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था। और अगर त्यान दाव एम्पायर ने इसे पार कर लिया तो इस बैटल में एक विराम भी लग सकता है। अब आखिरकार सेक्रेट ड्रैगन आर्मी के बचे हुए सोल मास्टर्स जियालिंग पास के किले में पहुंच चुके थे, जिनकी मदद वुहान एम्पायर की 8 टुकड़ी भारी कवच वाली आर्मी ने किया था। लेकिन उनके पीछे हटने के साथ साथ त्यान दाव एम्पायर के सोल मास्टर्स की सेना और त्यान दाव एम्पायर की हल्की घुड़सवार सेना उनके पास पहुंच चुकी थी। त्यान दाव एम्पायर के सोल मास्टर्स और उसकी आर्मी एक साथ इंद्रधनुष की तरह लग रही थी और उनकी ताकत देखते ही बन रही थी, और दूसरी साइड इसे देखकर वुहान एम्पायर के सोल मास्टर्स और आर्मी की मोरल डाउन हो गई थी। अब त्यान दाव एम्पायर के सोल मास्टर्स की प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड में दिखाई दे रही थी,
खासकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल के गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन जो कि आगे चार्ज कर रहे थे और दूसरी तरफ स्रॉड ग्रैंड मास्टर और बोन ग्रैंड मास्टर तीनों पूरे बैटलफील्ड में शेर की तरह लग रहे थे और हुआन एम्पायर की आर्मी उनके सामने भीड़ लग रही थी और वे तीनों हुआन एम्पायर के भारी सेना के फॉर्मेशन को एक ही पल में तोड़ देते हैं और आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। अब त्यान द एम्पायर के सभी 6000 सोल मास्टर्स आगे होकर अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स पीछे चले जाते हैं और पावर अटैक टाइप सोल मास्टर्स आगे आ जाते हैं और स्पीड टाइप सोल मास्टर्स साइड से गार्ड करने लगते हैं। अब इनके बीच के बैटल का रिजल्ट कुछ और ही होने वाला था क्योंकि पहले सेक्रेट ड्रैगन के सोल मास्टर्स ने गॉडली जू क्रॉस बॉस के अटैक को झेला था और अब त्यान द एम्पायर के सामने हुआन एम्पायर के साधारण सोल्जर्स थे। भले ही वे पूरी तरह लोहे के कवच से ढके हुए थे पर त्यान द एम्पायर के सोल मास्टर्स के सामने इन सब का कचुम्बर बनने वाला था। अब पूरे बैटलफील्ड में चार एलिमेंट एकेडमी के सोल मास्टर्स ने अपना जलवा दिखाया। सबसे पहले आग और बर्फ के अटैक पूरे हुआन एम्पायर के सोल्जर्स पर बरस पड़ी। आग और बाढ़ दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी रहम नहीं दिखाती और इसके सामने कोई कवच काम नहीं आता। अब इनके ठीक पीछे टैंक सेक्ट के डिफेंस हॉल के डिसाइपल्स और मेडिसिन हॉल के डिसाइपल्स ने भी अपना फॉर्मेशन बना लिया था। डिफेंस हॉल के डिसाइपल्स सामने और मेडिसिन हॉल के डिसाइपल्स पीछे होकर एक साथ अपना मजबूत फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब हुआन एम्पायर के भारी कवच वाले सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद डिफेंस हॉल के डिसाइपल्स की मार्शल सोल प्लेट आर्मर जायंट राइनोस की रियल डिफेंस उनके सामने आ जाती है जिसे कोई भी सोल्जर भेद नहीं पाता है और दूसरी तरफ मेडिसिन हॉल के डिसाइपल्स की सोल ब्रेकिंग स्पेयर हुआन एम्पायर के सोल्जर्स का कंधा चीरती जा रही थी। जैसे जैसे डिफेंस हॉल के डिसाइपल्स और मेडिसिन हॉल के डिसाइपल्स अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हुआन एम्पायर के भारी कवच पहने 200 सोल्जर्स मारे जा रहे थे। त्यान द एम्पायर के 6000 सोल मास्टर्स एक खंजर की तरह लग रहे थे जो एनिमी के फॉर्मेशन को चीरते जा रहे थे। अब हुआन एम्पायर के भारी कवच पहने सोल्जर्स के साथ साथ हुआन एम्पायर के सोल मास्टर्स पर भी भारी मुसीबत बनकर त्यान द एम्पायर के 6000 सोल मास्टर्स एक साथ टूट पड़े थे और इससे जो नुकसान हुआन एम्पायर को हो रहा था वो सभी को चौंका दे रहा था। अब ये देखकर जियालिंग पास के ऊपर खड़े दूसरे देशों के जनरल्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और बेबी दोंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बेबी दोंग जल्दी से अपने सोल मास्टर की टीम को सपोर्ट के लिए भेजे नहीं तो उनकी भारी कवच वाली सेना इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। अब दूसरा जनरल कहता है कि उनकी भारी कवच वाली आर्मी उनकी इलाइट्स है और जियालिंग पास में सिर्फ 8000 भारी कवच वाले सोल्जर्स बचे हैं और अगर वे त्यान द एम्पायर के हाथों मारे गए तो हम जियालिंग पास की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा जनरल कहता है कि उनकी एक टुकड़ी भारी घुड़सवार सेना पहले ही मारी जा चुकी है और अगर बेबी दोंग ने तुरंत ही ऑर्डर पास नहीं किया तो भारी कवच वाली आर्मी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।